नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मरुद्र क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं दोस्तों, जन आधार कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज सही है, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि भामाशाह कार्ड योजना थी, वही जन आधार कार्ड योजना है, जन आधार कार्ड। तो वो योजना जो कि पहले भामाशाह के नाम से जानी जाती थी, अब जन आधार से जानी जाती है। तो आपका जब भामाशाह कार्ड बना था तो उसमें डायरेक्ट आपका जन आधार बन गया। अगर आपका नहीं बना है तो आप यहाँ पर ई मित्र के द्वारा बना सकते हैं। उनके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड होने ज़रूरी हैं, बैंक की पासबुक होनी चाहिए सभी की, और पहचान पत्र होना चाहिए किसी भी सदस्य जिनका जिनका है उनका पहचान पत्र। फिर जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि 1 साल बच्चे के लिए है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। और राशन कार्ड भी चाहिए, पीपीओ जिनके पेंशन आती है तो पीपीओ ज़रूरी है, नहीं तो नहीं लाना है। और परिवार के सभी सदस्यों का एक एक फ़ोटो लाना आपको ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप नया जन आधार कार्ड बना सकते हैं। अगर किसी का आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो जिस बंदे का आधार कार्ड लेके जाना है उसकी पासबुक लेके जाना बैंक की, और उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो मार्कशीट लेके जाना है। तो तीन डॉक्यूमेंट आपको जो नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उनके लेकर के आपको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जन आधार कार्ड आपका ई मित्र वाला बना देगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।